हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल क्रेजी जीके पॉइंट्स में। टुडे हम डिस्कस करेंगे आपसे एनालॉजी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने टोटल 22 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज पार्ट वन है। ठीक है, तो जल्द ही हम और इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन एनालॉजी से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या पूछ रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि 123 का 4 है तो 726 का क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें 123 का 4 दिया हुआ है और 726 का 12 दिया है, ये इसका आंसर है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप 12 को 3 से डिवाइड करिए। ठीक है, 123 को आप सेपरेट करिए, 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है, 4। सेम एज इट इज 72 को आप उसके 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 12। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो करेक्ट आंसर क्या है वो 12। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, 83 का 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो 29 का क्या होगा, वेरी सिंपल फ्रेंड्स, आप देखिए 83 को माइनस कर दीजिए 3 से, कितना आएगा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। सेम जैसा आप पहले वाले में कर रहे हो आप, सेम एज इट इज दूसरे में भी होना चाहिए, इसी का मतलब होता है एनालॉजी। ठीक है, पहले वाले हमने क्या किया, 8 माइनस 3 कितना आया 5, 5 का स्क्वायर 25, सेम एज इट इज, सेम एज करें। ठीक है, 2 माइनस 9 कितना हुआ 7, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर क्या है, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर फ्रेंड चलते हैं हम 3 की तरफ। 3 क्या पूछ रहा है, 3 में देखते हैं हम। ठीक है, 1 का 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 का क्या होगा, जब 1 में हम प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, करेक्ट, और 8 में प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, 13। क्वेश्चन नंबर 4, 49, 81, तो 64 का क्या होगा। अब देखिए 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, 81 जो है आपका 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस चल रहा है कितने चल रहा है, 7 और 9, यानी 2 का आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, सेम एज इट इज फ्रेंड्स इसमें होना चाहिए, 64 जो है किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, राइट। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना 64, जस्ट प्लस 2 कर दें कितना आएगा 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 100। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या है वो 100 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए 27, 9, तो 64 का क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 64 जो होता है 4 का जो होता है क्यूब होता है। ठीक है, 4 का जब क्यूब करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 64 आता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 16। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स 16। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 9 का 80 है। ठीक है, तो 100 का क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं जब 9 का स्क्वायर करते हैं तो फ्रेंड्स क्या आता है 81 आता है, राइट, उसमें से माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स 80 आएगा। जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10,000 आएगा, उसमें से भी हम माइनस करते हैं तो फ्रेंड्स क्या आएगा 9,999। ठीक है, 9,999। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, सी। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स देखते हैं, 11 का 38 दिया है। ठीक है, तो 13 का क्या होगा। अब 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33, 33 में प्लस 5 जोड़ेंगे 38 आ जाएगा, करेक्ट। अब इसी तरह 13 में 13 इंटू 3 कितना हुआ 39, 39 प्लस 5 44। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है वो 44। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, देखते हैं 3 का 18 तो 13 का क्या होगा।
तो 3 × 6 कितना होता है फ्रेंड्स? 18। और 13 × 6 कितना होता है? 78। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 10 का 99, तो 9 का क्या होगा? ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा, अभी लास्ट में जो मैं डिस्कस किया हुआ था सेम एज इट इज क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 में से माइनस 1 करेंगे तो 99 आएगा, करेक्ट। सेम एज इट इज 9 का स्क्वायर कितना होता है? 80। 81, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 81 से जब माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 80, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? 80। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 37 का 23, ठीक है, 37 का कितना फ्रेंड्स है? 23। तो 19 का कितना होगा? अब देखिए फ्रेंड्स 7 + 3 कितना होता है? 10। और फ्रेंड्स 2, 3 कितना होता है? 5 होता है, करेक्ट। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। सेम एज इट इज को करिए आप, 1 + 9 कितना होता है? 10 होता है। और 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ रहा है, यानी दोनों का डिवीजन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर क्या है? 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ। फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 5 का 36 दिया है और 6 का पूछ रहा है क्या होगा? तो फ्रेंड्स 5 का 36 जब 5 + 1 करेंगे तो कितना होगा? 6। और 6 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होता है? 36, राइट। इसी तरह हम 6 का करेंगे, 6 + 1 7, 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है क्या है? 49। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं, 456 का 15 आया, करेक्ट। तो 7, 8, 9 का क्या होगा? ठीक है, देखने में तो फ्रेंड बहुत डेंजर लग रहा है लेकिन है बहुत इजी है। ठीक है, देखिए आप 4, 5, 6 दिया है, इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है? 6, 5, 11, 11 + 4, 15, राइट। नाउ सेम एज इट इज आप इसको ऐड करिए, 7, 8, 9, 8, 7, 15, 15 + 9, 14, 15 + 9, 24। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? 24। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलते हैं। ठीक है, 13 देखते हैं, 13 क्या पूछ रहा है? 13 बोल रहा है कि 1/9 इज इक्वल टू 1/81, ओके। तो 1/13 इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, वेरी इजी फ्रेंड्स, 1/9 जो किया हुआ है वो कुछ नहीं किया हुआ है, सिंपल सा 9 का स्क्वायर करके लिखा हुआ है। ठीक है, 81 सेम एज इट इज 1/13 की बात किया हुआ है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर क्या है वो 1/169, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फ्रेंड्स, 18 का 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड 36 का कितना होगा? ठीक है, 18 × 2 कितना होता है फ्रेंड्स? 36। 36 में 6 माइनस करें कितना आएगा फ्रेंड्स? 30 आएगा, करेक्ट। सेम एज इट इज हम करते हैं, 36 में 2 का मल्टीप्लाई 72, 72 में से जब 6 का माइनस करेंगे तो कितना फ्रेंड्स आएगा? 66। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर क्या है वो 66 है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो प्लीज इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फ्रेंड्स जो भी आप डिफरेंस पहले बार निकाल रहे हो सेम डिफरेंस दूसरे वाले में भी आना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17, 48 का 122। ठीक है फ्रेंड्स, तो 168 का क्या होगा?
ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट है। 48 का 122 दिया हुआ है तो 168 का क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल सा काम ये किया है कि 7 का स्क्वायर कितना हुआ फ्रेंड्स? 49। 49 में से 1 कितना गया? 48 करेक्ट। सेम एज इट इज 11 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 121। उसमें 1 ऐड किया, पहले वाले में सब्सट्रैक्शन किया, दूसरे वाले में एडिशन किया, यानी पहले वाले में घटाया दूसरे वाले में जोड़ा। सेम एज इट इज 168, 13 का स्क्वायर करेक्ट। अब 13 में प्लस 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 17 आएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। उसमें यदि प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 90। अब आप सोचोगे कि 168 13 का होता है, हमने 17 कैसे लिया? फ्रेंड्स देखो सिंपल सा कांसेप्ट है, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 17 में 48 वो 7 है, 7 का स्क्वायर ठीक है माइनस 1। सेकेंड क्या है? 11। तो 7 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना रहा? 4 का रहा है। सेम एज इट इज 168 13 और उसमें प्लस 4 करोगे कितना आएगा? 17। 17 का स्क्वायर 289, 89 में प्लस 1 290। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर क्या है? 290। 169 का 13, 289 का क्या होगा? अभी हमने फ्रेंड्स ऊपर डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। सेम क्वेश्चन नीचे पूछा हुआ है, 169 का 13 तो 289 का क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स सिंपल सा आपको आंसर मिल गया होगा, 289 का जो आंसर होगा वो 17 होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि 122 का 170, ओके फ्रेंड्स 290 का क्या होगा? अब देखो 122, 11 का स्क्वायर 121, प्लस 1 122, 170। 13 का स्क्वायर 169, प्लस 1 170, सेम एज इट इज, ओके। 17 का स्क्वायर 289, प्लस 1 290, ओके सेम एज इट इज, इसका करो 90। 17 प्लस 2 कितना होता है? 19 होता है। जैसे 11 प्लस 2 13 होता है, राइट? तो 17 प्लस 2 19, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 362 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो 362 एक, ठीक है। उसमें भी आप एक्चुअल में जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361। उसमें जब हम प्लस 1 ऐड करेंगे, क्योंकि सब में हमने प्लस 1 ऐड किया है, तो 362 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 42 का 56, तो 72 का फ्रेंड्स क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। 7 इंटू 6 कितना हुआ? नो, आप पर 6 इंटू 7, ठीक है, फिर 7 इंटू 8 आया, फिर 9 इंटू 8, फिर ये करेक्ट? नहीं नो, देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको करना है क्या है, पहले छोटा 6 इंटू 7 42, फिर 7 इंटू 8 56, सेम एज इट इज। 8 इंटू 9 कितना होता है फ्रेंड्स? 72, ठीक है। फिर कितने का डिफरेंस आया? 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, ठीक है, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9 कितना हुआ? 72, ठीक है। तो 9 इंटू 10 फ्रेंड्स कितना हुआ? 90 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर क्या है वो 90। नाउ फ्रेंड्स चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 3265, 4376, ठीक है, फिर दिया है 4673, तो इसका क्या होगा आंसर? बहुत डेंजर दिख रहा है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए कैसे, 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 है, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 1 7 और 5 प्लस 1 6,
फ्रेंड्स, इस टाइप के यदि क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होंगे, आपको 60-70-80% चांसेस ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब सेम ऐसे करते हैं, 4 1 5 6 1 7 7 8 3 2 4, 3 प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर क्या है वो डी है, 5 7 8 4। क्वेश्चन नंबर 22, 11 का स्क्वायर फ्रेंड्स 121। 121 में जब हम 11 जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 132। सेम एज इट इज आप कर दीजिए। 9 का स्क्वायर 81। अब 81 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर क्या है वो फ्रेंड्स बी। फ्रेंड्स ये हमारा आज फ्रेंड्स ये हमारा एनालॉजी पार्ट वन था, जिसमें हमने टोटल 22 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, जल्दी हम एनालॉजी पार्ट टू अपलोड करेंगे, उसमें भी हमने टोटल 22 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप साइंस से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमने उसका भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसको भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके भी बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।